बिना धर्म किए तो परमात्मा को बड़ा दुख होगा। उनको लगेगा कि हमने अब की बार कृपा करके सत्कर्म करने के लिए इस बंदे को भेजा था, लेकिन ये तो खाली हाथ ही बना था। खाली हाथ का अर्थ ये मत लगा लेना कि हम फूल माला ये तो भेंट लेके आ गए तो भरे हाथ आ गए। नहीं साहब, तुम्हारे जीवन में सत्कर्मों की जब पूंजी होती है तो परमात्मा देख के खुश होता है कि हमने किस लिए भेजा था। लाइन डालो यार। किस लिए भेजा था उसने ये उद्देश्य पूरा किया। अब की बार हम लोग किस लिए आए हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उपाय नजे परलोक ही सरल है। और वही संस्कार बच्चों में आए हैं, ये इन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि उनकी बढ़िया इतनी कथाएं हुई है। अब की बार माधव गढ़िया हनुमान मंदिर में हमारी कथा हुई थी, वो हमारी 20वीं कथा है। हम बहुत साल से झांसी में आ रहे हैं, शंकर सिंह बगीचे में कई कथाएं हुई, सब सब जगह कथाएं हुई, लेकिन यहाँ हमने बात देखी कि यहाँ जितने लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ हर व्यक्ति को ये हमारी इच्छा बराबर रहेगी कि हम हर साल यहाँ आपके बीच में आए। आज हम भी ये वादा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और ऐसे में हम ये बात कह रहे हैं कि आनंद अब हर साल आता ही रहेगा, क्योंकि आनंद आ गया है। नंद के आनंद भयो, तो ये आनंद की धारा बराबर बहती रहेगी। कोई न कोई बात जरूर रही होगी साहब। तब तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमने आपको कहा है कि जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती, और कुछ तो चाहा होगा मेरे ठाकुर ने, वरना हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होती, वरना हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होती। कोई न कोई संयोग नहीं है, भगवान की कृपा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद है। माता जी को भी मैं बता दूं कि उनकी मनोकामना पूरी होती रहेगी, और उनका जो इतना बड़ा परिवार है, वो ये सब तो परिवार सब अपना परिवार है, वसुदेव कुटुम्बकम, ये कार्यक्रम की धारा जरूर चलेगी, ये मेरा विश्वास है, और भगवान की कृपा से ये क्रम और टूटने वाला नहीं है। शुरू हो गया है तो शुरू ही हो गया है। आज सभी गोपियां आती हैं, जो दूध दही माखन जो जिसके यहाँ ठाकुर ने दिया है वो सब भेंट कर रही हैं, मेरे ठाकुर का दर्शन कर रही हैं। और यशोदा मैया से कहती हैं, माँ और यशोदा तेरो भाग्य कहाँ
जो रघुवीर चरण अनुरागी। अभागी कौन है? शिव जी बोले कि सुनो उमा के लोग अभागी कौन। बोले हरि तज होई विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़ के विषय वासनाओं में पूरी तरह से डूब गए हैं दुनिया में वही अभागी है। और जो भगवान से जुड़ा है वही तो बड़ा भागी है। बहुत भाग्यवान है मां। कितना आनंद है आज गोकुल में तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। सुखदेव भगवान बोले कि अवाजंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रजमागते। जब भगवान गोकुल में आए तो लोगों ने ऐसे ऐसे बाजे बजाए जो जिंदगी में हमने वो बाजे बजते ही नहीं देखे। बड़े विचित्र बाजे जिसको जो मिल गया। कोई थाली बजा रहा है, कोई चिमटा बजा रहा, कोई तसला बजा रहा, कोई कटोरा बजा रहा, कोई अपना पेटे बजा रहा है जिनके पेट बड़े हैं, कोई किसी की खोपड़ी बजा रहा, कोई किसी की पीठ में कान छेड़े है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। ये मस्ती है, ये भाव है, ये डूबना है। डूबे हैं भगवान के ध्यान में। जो बाजे कभी नहीं बजे हैं सुखदेव जी बता रहे वो बाजे बज रहे। इसका मतलब जानते हो कि जिनके जीवन में कभी भाव नहीं बना ऐसे लोग भी जब भगवान के दरबार में आ गए तो यहाँ न बजने वाले भी बज गए। साहब जो इंस्ट्रूमेंट खराब पड़े हैं जो सालों से तो वो बजे ही नहीं है और जब यहाँ आ गए तो बज गए बज गए। एक बार आके तो देखो यहाँ न बजने वाले भी बज जाएंगे। क्योंकि जब भगवान आ जाएंगे और भगवान से आप जुड़ेंगे तो निश्चित ही है कि जो हम लोगों की जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है ना विषयों के कारण सारी बैटरी डिस्चार्ज कर डाली साहब। अब ठाकुर के पास आओ ये बहुत बड़े चार्जर हैं चार्ज हो जाएंगे। और जब चार्ज हो जाओगे तो न बजने वाले भी बजने लगेंगे साहब। यहाँ पर भगवान से जुड़ने की बात करो तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। अरे कोई बजावे ढोलकी मंजीरा अरे कोई बजावे ढोलकी मंजीरा कोई बजावे तसल्ला मोहल्ला में मोहल्ला हमारे